सुख संघर्ष मिले। वाराणसी के लहरतारा DLW मार्ग पर कृष्णा हुंडई के सामने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के शोरूम का हुआ भव्य उद्घाटन। यहां इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के नए मॉडल के साथ बाजार में आई स्कूटी पर्यावरण को शुद्ध रखने में मदद करेगी। तकनीकी पर जांचा परखा उत्पाद वाराणसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ गया है। ये स्कूटी इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों की शहंशाह है। स्कूटी नई तकनीकी पर जांचने परखने के बाद बाजार में लाई गई है, यह बातें कंपनी के रवि जायसवाल ने कही। मौका था कंपनी की ओर से नए शोरूम के लॉन्चिंग का। उन्होंने यह बताया कि यह स्कूटी नए मॉडलों में जनता के सामने प्रस्तुत की गई है, भविष्य में और नए मॉडल बाजार में उतारे जाएंगे। उन्होंने बताया कि बदलते समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग अधिक हो रही है, ऐसे में देश की नामचीन कंपनी ने यह उत्पाद तैयार कर देशवासियों को अच्छी से सौगात दी है। कंपनी ने स्कूटी के अधिकांश पार्ट्स भारत में ही तैयार किए हैं। इस वाहन की 4 वर्ष की वारंटी है। इसका मोटर वाटरप्रूफ है। इसकी बैटरी मात्र 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। कम कीमती में बढ़िया एवरेज देने वाली स्कूटी देश के लोगों की पहली पसंद बन रही है। लॉन्चिंग के अवसर पर प्रतिष्ठान के रवि जायसवाल, मनीष चौरसिया, मानस सिंह, प्रीति जायसवाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। रवि जायसवाल, यहाँ एम्पियर व्हीकल के शोरूम की उद्घाटन हुई है। ये कंपनी है अपनी 160 साल पुरानी कंपनी है और ग्रीव्स कंपनी का नाम है। इसी के प्रोडक्ट एम्पियर के नाम से इलेक्ट्रिक बाइक व्हीकल इंट्रोड्यूस किया है। बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक बाइक बहुत सी कंपनियां हैं, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? इसमें चूँकि कंपनी 160 साल पुरानी है, कंपनी की गुडविल अच्छी है और अगेंस्ट वारंटी वगैरह देखते हुए देखा जाए तो इसमें 5 साल तक की वारंटी है जो कि अन्य कंपनियों में नहीं है। और स्पेयर पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी इसमें हमेशा बनी रहती है। और प्लस ये है कि अच्छे अच्छे मॉडल हैं इसमें भी, जो प्राइमस मॉडल है, एम्पियर के EX मॉडल है, रियो मॉडल है, जील मॉडल है, ये सब फीचर में इलेक्ट्रिक बाइक के एक बार के चार्जिंग में ये 100+ किलोमीटर की एवरेज है इसकी और 55-60 की स्पीड है। इसके जो टॉप मॉडल है उसके 80-90 की स्पीड है। क्या प्राइस है, कितना कितना क्या है? ये 70,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के अंदर में 3-4 मॉडल की आती है। ये जो शोरूम आज आपका ओपनिंग हुआ है किस जगह पे हुआ है, कहाँ पे हुआ? ये लहरतारा पे शोरूम है ये अपना M2 मोटर्स के नाम से। आने वाले समय में गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है, इस वजह से इसमें गवर्नमेंट कुछ सब्सिडियां भी दे रही है और चूंकि इलेक्ट्रिक बाइक को प्रमोट करने के लिए आगे भी आने वाले समय में कुछ और प्रमोशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा इसमें आप फैसिलिटी मिलेगी और हो सकता है आने वाले समय में कुछ सब्सिडी और बढ़ाएंगे गवर्नमेंट। और इसके जो चार्जिंग के स्टेशन वगैरह भी हर जगह उपलब्ध कराएंगे जिससे कि जो भी कस्टमर है आने वाले समय में हर उनको जैसे पेट्रोल पंप है हर पेट्रोल पंप पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो चार्जिंग का व्यवस्था करेंगे। यूथ के लिए क्या कुछ खास है, क्योंकि यूथ सबसे बड़ा पावर होता है और इस समय इलेक्ट्रॉनिक बाइक की यूथ के लिए ये है कि जो स्कूल बॉय है या मतलब हॉस्टल जो लड़कियां हैं मतलब है लड़के हैं या ओल्ड पीपल के लिए गाड़ियां जो है उसमें स्पीड की लिमिटेशन है, उनके सेफ्टी के लिए 40 की स्पीड रखा गया है जिसके आने वाले समय में डेली का 100 से 150 रुपये का पेट्रोल की सेविंग होगी। हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी इकोनॉमिकल बाइक है ये। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स कैसे अलग दिखाएंगे? चूंकि अपनी कंपनी जो है ग्रिप्स जो है ये मैंने पहले बताया कि 160 साल पुरानी कंपनी है तो कंपनी की अपनी गुडविल है, उस गुडविल को देखते हुए आपका सेल सर्विस इनकी सबसे अच्छी है और इनकी नेटवर्क इनकी अच्छी है। मेरा नाम मनीष चौरसिया है और आज M2 मोटर्स का मैं ओनर हूँ और ये पार्टनरशिप फर्म है जो कि एम्पियर का नया नया शोरूम अभी लहरतारा पे खुला है क्योंकि एज अ कस्टमर की डिमांड थी, क्योंकि यहाँ लहरतारा जो है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बन गया है और कस्टमर को क्या चाहिए, चॉइस चाहिए, लेकिन एक बेस्ट चॉइस देने के लिए उनको कि एक बेस्ट स्कूटी जो हम दे रहे हैं उनको प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि ग्रीव्स है, बहुत काफ़ी पुरानी कंपनी है और एम्पियर जो है top 3 ब्रांड है आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो कि जाना जाता है अपने मेन सर्विस पार्ट्स वगैरह डिलीवर करना ऑन टाइम, जो कि कस्टमर को वही चीज़ चाहिए, उनकी गाड़ी कभी रुकनी नहीं चाहिए। और आज ये चाहे पर्यावरण को लेकर हो, चाहे पैसे बचाने को लेकर हो, सब लोग जो है चाहता है ये सब चीज़ें। हाँ, एक्चुअली लोकल फॉर वोकल बेसिकली हम कहेंगे और आज जो है काफ़ी कंपनियां आ गई हैं और उस कंपनियों में एक बेस्ट की बात करें तो वो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। हाँ, और इस चीज़ को तो नितिन गडकरी सर भी प्रमोट कर रहे हैं। एक्चुअली सर अगर अभी आपका अभी बयान देखेंगे नितिन गडकरी सर का तो उन्होंने ये बोल दिया है साफ साफ कि हम 2 से 3 सालों या 4 सालों में मैक्सिमम
जो कि लिथियम अब इंडिया में मिल भी गई है, तो सारा का सारा परिवर्तन आने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो पेट्रोल को वो कम करके हर एक चीज जो है, चाहे वो ट्रैक्टर आप यूज करते हो, चाहे वो साइकिल यूज कर रहे हैं, आज की डेट में साइकिल भी इलेक्ट्रिक हो गई है और हर एक चीज सब इलेक्ट्रिक होने वाली है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि उसके बिना हम अधूरे हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो सर हम तो चाहते हैं कि सर कस्टमर के जितना रिक्वायरमेंट हो और बनारस के हर एक कोने पे हम अपना शोरूम खोलें या फिर जो भी उनको प्रोवाइड करा पाए व्हीकल को, ठीक है, और बिजनेस उनका भी हो रहा है, उनका पैसा बच रहा है और कुछ हम भी कमा ले रहे हैं। बनारस की जनता से अभी यही कहना चाहूंगा कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करें, और काफी है कुछ लोगों के एक्सपीरियंस में भी शायद कुछ खराब भी हो, पर मैक्सिमम पॉजिटिव है इस चीज को लेकर, क्योंकि मेन क्या है सब चीज कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट है जो कि पैसा आपका बचाता है। मेरा नाम मानस सिंह है और हमने आज लारतारा में कृष्णा हुंडई के सामने एक शोरूम ओपन किया है एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल का। जी हम, मैं उस पार्टनरशिप का ओनर हूँ। क्या कुछ खास रहेगा आपका पहले भी इलेक्ट्रॉनिक बाइक की जाने की शोरूम पर? देखिए उसमें और इसमें क्या फर्क है? देखिए सबसे बड़ा फर्क ये है कि हमें भी पहले एक साल पहले एक्सपीरियंस रहा है किसी अनदर कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल का शोरूम का। तो उसमें क्या है कि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर आप सर्विस अच्छी देते हैं तो कंपनी आप खुद पर खुद ग्रो करती है, और कंपनी से भी अगर अच्छा सपोर्ट मिलता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सेल करने में या फिर उनको कस्टमर को सर्विस देने में सपोर्ट मिलता है, क्योंकि एम्पियर हमें जो है सर्विस अच्छा प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमने डीलर से भी फीडबैक लेकर के फिर ये शोरूम ओपन किया है। आप युवा हैं और बनारस के युवाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे इलेक्ट्रिक बाइक के लिए कि क्यों आए और क्यों खरीदे इलेक्ट्रिक बाइक आज के डेट में? देखिए आज के समय में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो महंगाई पेट्रोल अगर कोई भराता है 100 रुपए में, अगर किसी भी बात करें तो 50-60 किलोमीटर चल पाता है, लेकिन डेली अगर 100 रुपए का पेट्रोल भराता है तो 50-60 किलोमीटर। अगर आप यहाँ पर 16-70 रुपए खर्च करते हैं तो आप 70-80 किलोमीटर चल पाते हैं, क्योंकि आपके इस महंगाई के दौर में आपके पैसे भी बचेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक स्कूटी आने वाले समय का बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। सिटी में कितना सक्सेस है ये बाइक? सर बेसिकली बात करें तो ये सिटी के लिए ही बनाई गई है गाड़ियाँ, बाहर के लिए लॉन्ग रेंज वाली गाड़ियाँ अभी डेवलप हो रही हैं, बट सिटी के लिए अभी तक सबसे सक्सेसफुल गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल रही हैं, पेट्रोल से बेटर।